दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशोलॉजी विद विकास में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक डेरेंडॉर्फ के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन थे डेरेंडॉर्फ और उन्होंने क्या अपनी अवधारणा दी है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डेरेंडॉर्फ। तो डेरेंडॉर्फ एक तरीके से देखा जाए तो ये संघर्षवादी विचारक थे। संघर्षवादी विचारक थे और ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये जो जो मार्क्स और मैक्स वेबर के जो संघर्ष थे उसी संघर्ष को ये भी एकदम विश्लेषणात्मक संघर्षवाद को देखते थे। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं यहाँ पे दोस्तों कि आप लोग अगर सबसे पहले तो यहाँ ये जरूरी है कि सहमति या मतैक्यता और संघर्ष में से एक को आधार बनाकर समाज को समझने को तैयार नहीं है। कौन? डेरेंडॉर्फ। ठीक है, उन्हें लगता है कि समाज में दोनों की भूमिका है, दोनों दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब भी हम समाज की चर्चा करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि समाज में दोनों का ही महत्व है, दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। उनका मानना है कि बिना सहमति के असहमति या संघर्ष मतलब बिना सहमति के संघर्ष या असहमति नहीं की संभावना नहीं हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं डेरेंडॉर्फ। तो उनकी एक बुक है डेरेंडॉर्फ की, औद्योगिक समाजों में वर्ग और वर्ग संघर्ष, ये इनकी बुक है। और मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताए दे रहा हूँ दोस्तों। इनमें से इनकी है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाजों में वर्ग और वर्ग संघर्ष, ये इनकी पहली बुक है। ओके दोस्तों, फिर इनकी दूसरी है ये 1959 में इनकी ये बुक आई थी। फिर इनकी एक नेक्स्ट बुक है कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास 1967, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास। फिर इनकी तीसरी बुक है सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मनी, ये आई थी दोस्तों 1967 में। फिर इनकी एक बुक और है एसेज ऑन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी 1968 में। ठीक है, फिर एक इनकी और बुक है द न्यू लिबर्टी 1975। इनकी अगली बुक है लाइफ चांसेज 1979। फिर नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग दी अंडर क्लास 1992। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक और है आउट ऑफ यूटोपिया, ठीक है, इसका टाइटल है टूवर्ड्स ए रीओरिएंटेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। फिर एक और है द इरोजन ऑफ सिटीजनशिप एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अस ऑल, ये इनकी निबंध हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने एक तरीके से इन इन अपने लेखों के इन्हें संग्रह होमो सोशियोलॉजिकल में डेरेंडॉर्फ ने इस बात का आग्रह किया है कि जैसे अर्थशास्त्री एक होमो इकोनॉमिकस के रूप में गंभीरता से कार्य करता है, वैसे ही हमें भी होमो सोशियोलॉजिकस के रूप में कार्य करना चाहिए और समाज के नियम का पता लगाना चाहिए। ओके दोस्तों, बात करते हैं डेरेंडॉर्फ के विचारों में एक विशिष्टता यह भी है कि वह औद्योगिक समाज और विशेषकर अमेरिकी समाज के संघर्ष, ठीक है, अमेरिकी समाज के संघर्ष तक स्वयं को केंद्रित रखना चाहते हैं। वह प्रत्येक समाज के संघर्ष और हर तरह के संघर्ष में रुचि नहीं रख रहे हैं। एक विशेष बात यह भी है कि भविष्य में कोई ऐसा युग या समाज आएगा जिसमें संघर्ष नहीं होगा, असहमति नहीं होगी, असमानता नहीं होगी, ऐसा मानने को डेरेंडॉर्फ तैयार नहीं है। इसके साथ साथ उनका यह सिद्धांत केवल संघर्ष का सिद्धांत नहीं बल्कि ये उनका समाज का भी सिद्धांत है। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में आइए अब उनके विचारों को हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, रॉल्फ डेरेंडॉर्फ की अत्यंत प्रसिद्ध कृति है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1956। ठीक है, इसमें से देखा गया है दोस्तों कि इसमें से मार्क्स का प्रभाव नहीं है, इनके जो इन्होंने ये बुक्स लिखी तो इसमें मार्क्स का प्रभाव नहीं है। ठीक है, उन्होंने मार्क्स से असहमति रखी है। जार्ज सिमेल
ने कोजर को जरूर प्रभावित किया, पर डेरेंडॉर्फ उनसे भी प्रभावित नहीं है, सीमेल से भी नहीं है, मार्क से भी नहीं है। कोजर तो उनके समकालीन उन्हीं के पैरल हैं। उन्होंने भी संघर्ष का सिद्धांत दिया था, संघर्ष बताया था, मैंने इसके पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों। अब हम बात करते हैं डेरेंडॉर्फ, अब यहाँ पे हम डेरेंडॉर्फ पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो मैक्स वेबर भी प्रासंगिक रूप से आते रहते हैं, डेरेंडॉर्फ को समझते हैं। उन्होंने मैक्स वेबर को से थोड़ा बहुत उन प्रभावित थे। इमैनुअल कांट की उस विचारधारा को भी स्वीकार करते हैं कि संघर्ष परिणाम केवल नकारात्मक ही नहीं होते हैं, कभी कभी वे नीचे की विचार को भी अप्रत्यक्ष रूप से सहमति जताते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इनके मेन सिद्धांत क्या था। तो बात करते हैं हम सबसे पहले, राउल डेरेंडॉर्फ एक जर्मन बुद्धिजीवी हैं जो अपने काम इसी जो औद्योगिक समाज वर्ग और संघर्ष 1956 के माध्यम से लोकप्रिय है। डेरेंडॉर्फ के लिए एकीकरण मूल और सर्वसम्मति और स्थिरता की कार्यात्मक व्याख्याओं को असंतुलित माना गया है। उन्होंने इन कार्यात्मकवादी धारणाओं को खारिज कर दिया और अपने सिद्धांत को आधुनिक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित करने की मांग की है। उसके लिए हितों के विरोध और संघर्षों के परिणाम पर आधारित सामाजिक संघर्ष व्यापक हो सकते हैं और साथ ही सामाजिक परिवर्तन को जन्म दे सकते हैं। हालांकि वर्ग संघर्ष को देखने में डेरेंडॉर्फ के विचार समान हैं, लेकिन डेरेंडॉर्फ मार्क्स द्वारा जो पेश किए गए प्रस्ताव से उन्होंने असहमति जताई है, उन्होंने सहमत नहीं है। डेरेंडॉर्फ मार्क्स के दृष्टिकोण को उत्तर औद्योगिक समाज की स्थिति के लिए अप्रासंगिक मानते हैं। ठीक है, इसलिए मार्क्स के सिद्धांतों और अवधारणाओं को संशोधित करने की सिफारिश की जाती है ताकि उन्हें आधुनिक औद्योगिक समाज के विश्लेषण में अनुकूलित किया जा सके। डेरेंडॉर्फ का विचार है कि मार्क्स केवल पूंजीवादी समाज को संदर्भित करता है। वास्तव में जब से मार्क्स ने अपने विचार लिखे, सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसलिए अब दोस्तों इसमें ध्यान देना, डेरेंडॉर्फ एक अवधारणा और सिद्धांत प्रस्तुत करता है जो पूंजीवाद के समाज की व्याख्या करने पर अधिक ध्यान देता है। ये दोस्तों बात इनकी इम्पोर्टेंट है, पूंजीवाद पर अधिक ध्यान देता। डेरेंडॉर्फ का मार्क्स के साथ काफी संघर्ष था। उन्होंने मार्क्स की वर्गहीन समाज की अवधारणा को भी खारिज कर दिया है, डेरेंडॉर्फ। चलो कोई बात नहीं, इनका मानना है कि एक वर्गहीन समाज का विश्लेषण अत्यधिक सट्टा है और इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है। ठीक है कि इसे महसूस किया जा सकता है। वास्तव में केवल उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर वर्ग विभाजन नहीं किया जा सकता है। ठीक, संघर्ष सिद्धांत में डेरेंडॉर्फ मानते हैं परिवर्तन और संघर्ष की प्रक्रियाओं के अधीन होने पर समाज वफादार होता है। सामाजिक व्यवस्था में मौजूद संघर्षों और समाज के विभिन्न तत्वों को विघटन और परिवर्तन में योगदान देने वाला माना जाता है। उसके लिए समाज में जो व्यवस्था बनाई जा सकती है वह उसके सदस्यों पर जबरदस्ती के अलावा और कुछ नहीं, जिसे सत्ता रखने वालों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कि इस सामाजिक व्यवस्था में शक्ति समाज में व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों में भूमिका निभाती है। डेरेंडॉर्फ ने एक द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत के विचार को भी सामने रखा है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत, अब द्वंद्वात्मक क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा द्वंद कहने का मतलब क्या होता है, वाद विवाद होता है, जैसे पहले होता है थेसिस, ठीक है, एंटीथेसिस और फिर सिंथेसिस, वाद विवाद प्रतिवाद। वाद प्रतिवाद जो होता है, जैसे हम कोई बात बोले तो दूसरा हमारी बात को कटाक्ष करता है या फिर अपना नया कुछ बात नई बात बताते हैं, तो वाद ये होता है। तो इसी ये द्वंद की स्थिति एक तरीके से रहती है द्वंद्वात्मक, यानी कि दो। इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि समाज दो चेहरों वाला एक विषय है, अर्थात संघर्ष और सर्वसम्मति। इसके दो पॉइंट दोस्तों सभी लोग नोट कर लीजिए, संघर्ष और सर्वसम्मति और संघर्ष, दो इसके पॉइंट हैं, दो चेहरे हैं, आप इनको जरूर लिखिएगा। फिर इससे डेरेंडॉर्फ ने समाजशास्त्री सिद्धांत को दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, एक है संघर्ष सिद्धांत और दूसरा सर्वसम्मति सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत में हम हितों के टकराव
और समाज में हिंसा के उपयोग की जांच कर सकते हैं, जबकि सर्वसम्मति सिद्धांत में हम समाज में होने वाले एकीकरण के मूल की जांच कर सकते हैं इसमें और उसमें, उसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो फिर अंतर क्या रह गया? कुछ नहीं ना। चलो दोस्तों, डेरेंडोर्फ का मानना है कि आम सहमति और संघर्ष के बिना समाज का अस्तित्व तो नहीं है, हो सकता है नहीं है क्या, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लागू गैर स्वतंत्रता के कारण समाज का एकीकरण होता है। इससे ये भी पता चलता है कि समाज में कुछ पदों पर सत्ता का प्रतियोजन करने वाले अन्य पदों पर अधिकार होता है। संघर्ष दो हैं, सहमति और असहमति, ये और वो सर्वसम्मति। लेकिन बात करते हैं असहमति में क्या मार्क्स का प्रभाव नहीं है, मैंने बता ही दिया। मैक्स वेबर से प्रभावित है बताया, इन्होंने चार आयाम बताए हैं डेरेंडोर्फ ने। सामाजिक परिवर्तन सर्वत्र होता है, प्रत्येक समाज बिंदु पर असहमति और संघर्ष को प्रदर्शित करता है। समाज के प्रत्येक तत्व समाज में परिवर्तन और एकीकरण के नहीं होने से अपना योगदान देते हैं। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग दूसरे का उत्पीड़न करते हैं, ये दोस्तों आपको पता ही होगा, उत्पीड़न जरूर होता है समाज में। आप देखते होंगे तो शोषित वर्ग और जो अमीर वर्ग होते हैं तो कितना उनमें गैप होता है। औद्योगिक समाज में देखा जाए तो देखो, एक होता है हित समूह और एक दूसरा होता है सत्ता और शक्ति, ठीक है। जो शक्ति और सत्ता है उसमें से ये सब औद्योगिक समाज में जो शक्ति का प्रभुत्व आप लोग देखते हैं उन्हीं की सत्ता होती है जिनके पास शक्ति और धन होता है, ठीक है। इन्होंने दो वर्ग बताए थे, कुलीन और शासित। इन्होंने क्या बताया था, सॉरी, ये मार्क्स ने दिया था, कुलीन वर्ग और शोषित वर्ग जो भी दिया है। हित समूह की अवधारणा देखा जाए तो ये दोस्तों रॉबर्ट मिचेल ने दिया था, जो हित समूह की अवधारणा है। तो दोस्तों बात करते हैं अब इनकी आलोचना की। इनके दो सिद्धांत मैंने बता दिए, सर्वसम्मति और संघर्ष बताना है आपको, आलोचना बताए दे रहा हूँ। इस सिद्धांत की आलोचना सर्वप्रथम यही है कि ये संघर्षवादी है, सबसे पहले निगेटिव, ठीक है। इससे भी व्यक्ति की चिंतन और उसकी भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया है। इसमें डेरेंडोर्फ ने कहा औद्योगिक पूंजीवादी समाज में संघर्ष नियमित और नियंत्रित हो जाएगा। यौन क्रेव का यह मानना है कि संघर्ष कब होगा कब नहीं होगा, यह भी डेरेंडोर्फ स्पष्ट नहीं कर सके हैं। डेरेंडोर्फ मार्क्स से लगातार टकरा कर ही अपनी बात करते रहे, मार्क्स को हमेशा वो किनारे करते रहे, उनके सिद्धांतों को किनारे करते रहे और उनसे हमेशा सहमति जताई है। वेबर से जरूर प्रभावित थे दोस्तों, ठीक है। यान क्रेम ने तो ये भी कह दिया है कि इन्होंने ये भी नहीं स्पष्ट किया कि कब होगा संघर्ष, इनको बताना चाहिए कि संघर्ष ऐसे होगा तब होगा कब नहीं होगा, पर ये सब नहीं बताया दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अब तो दोस्तों, हम नए टॉपिक में रैंडल कॉलिंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं उसका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा दोस्तों, अब इस बात के लिए मैं सॉरी कह रहा हूं कि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है अपना वीडियो अपलोड करने में, आप लोगों की रेगुलरिटी इससे ज़रूर बाधित हुई होगी, तो उसके लिए मुझे सभी दोस्त क्षमा करें। मैं लगभग चार दिन में तो पर डे वीडियो जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग लगे रहिए, अच्छे से तैयार करिए, नेट जेआरएफ का फॉर्म भी आ गया है तो आप सभी लोग अप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद विकास। तो दोस्तों चलो करते हैं कुछ नया, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।